दोस्तों नमस्कार। हिमालयन हैशटैग में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने व विशालकाय टीबी सैनिटोरियम यानी भवाली सैनिटोरियम की ओर। अंग्रेज सरकार द्वारा रामपुर के नवाब से 100 एकड़ से भी अधिक जमीन दान स्वरूप प्राप्त कर 1912 में इस अस्पताल की स्थापना की थी, जो आज पूर्ण रूप से उपेक्षा का शिकार बन चुका है। वर्तमान में कोई भी इतनी लाइलाज बीमारी नहीं है जितनी एक समय में टीबी या क्षयरोग हुआ करती थी। अंग्रेज की हुकूमत के समय टीबी का सर्वाधिक प्रभाव फौजियों एवं पुलिस कर्मियों पर पड़ता था, क्योंकि वे हर समय एक साथ रहते थे, इसलिए यहाँ पर उनके लिए अलग वार्ड की स्थापना की गई। आपको यह भी जानना भी लाजमी है कि देश की तत्कालीन कई दिग्गज हस्तियाँ यहाँ पर अपना इलाज करा चुकी हैं, जिनमें महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस एवं श्रीमती कमला नेहरू, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं क्रांतिकारी यशपाल, प्रख्यात गायन कुंदन लाल सहगल, खिलाफत आंदोलन के मोहम्मद अली एवं शौकत अली आदि। समुद्र तल से लगभग 5,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान को सैनिटोरियम के लिए चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि चीड़ की हवा टीवी के रोग के इलाज के लिए अत्यंत लाभप्रद है। 111 साल पहले बनाए गए इस विशाल सैनिटोरियम के अधिकांश भवन अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। कर्मचारियों की संख्या 350 से घटकर मात्र 40 से 50 रह गई है। आज भी यदि सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए तो इस ऐतिहासिक संस्थान को एम्स जैसे बड़े संस्थान में तब्दील किया जा सकता है, जो इस संस्थान के गौरव को सही मायने में महत्व देना होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।